दोस्तों, जीडी कॉलेज में पीजी सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन शुरू हो चुका है, जिसका सेशन 2023 से 25 है। स्टार्ट जो है 7 अप्रैल से कर दिया गया है। तो अब आपको किस तरह से आवेदन करना है, सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर आएंगे। आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको डेट देख लेना है, लास्ट डेट क्या है, ठीक है? क्योंकि डेट जो है बाद में अब बढ़ भी सकता है, फिलहाल आपको डेट चेक करके ही आवेदन करना है, ठीक है? कितना चार्ज कट रहा है, कौन से कैटेगरी का, वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे जब स्क्रॉल डाउन कर रहेंगे तो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों, इस तरह से खुलेगा। और किस तरह से आवेदन करना है उसका वीडियो यहाँ, और नोटिस भी यहाँ पे है पीडीएफ में, ठीक है? क्लिक करेंगे पीडीएफ खुल जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिक फॉर्म आईडी देना है, और यहाँ पे आपका जो भी नाम होगा वो देना है, और जो भी मोबाइल नंबर अभी वर्तमान में वो यहाँ पे देके सबमिट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको बता दें इस वेबसाइट पर आपको किस तरह से आना है, ठीक है? तभी आपको आगे बताएंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। तो इस वेबसाइट पर आने के लिए सिंपली गूगल में सर्च करना है ताजा इनको। जैसे ही सर्च करेंगे इस तरह से खुलेगा, आपको फर्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे LNMU करके लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते दोस्तों इस तरह से लिस्ट ओपन होगा, LNMU का सभी कॉलेज का यहाँ पे अपडेट मिलता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको फर्स्ट में ही जीडी कॉलेज सेकंड सेमेस्टर एडमिशन करके इस तरह से लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह से खुल जाएगा। इस तरह से खुलेगा, नीचे जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे आपको यूनिक आईडी और जो भी नाम है वो सभी डिटेल्स भर के सबमिट करना है। तो चलिए ये डिटेल्स हम भर के आपके सामने लाइव पेश करते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक फॉर्म आईडी हम भर चुके हैं, और यहाँ पे नाम भी भर चुके हैं, मोबाइल नंबर भी भर चुके हैं। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर ओटीपी गया होगा 4 अंक का, उस ओटीपी को इस तरह से भर लेना। भरने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पे ओटीपी भर चुके हैं रजिस्टर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से लिखा जाएगा पीजी सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल्ली। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे फॉर्म आईडी रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपका पासवर्ड रहेगा। उसके बाद आपको इसको प्रिंट रजिस्टर इसको सेव कर लेना है अपने मोबाइल में, और इसको स्क्रीनशॉट भी रख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगा। फिर आपको यूनिक फॉर्म आईडी देना है, और जो पासवर्ड अभी जो है आपको बोले थे कि सेव कर लेना है, यहाँ पे जो पासवर्ड आता है यही पासवर्ड आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, नीचे में देना है। यूनिक फॉर्म आईडी तो आपको पता ही है। उसके बाद कैप्चा पर टिक करेंगे, लॉगिन कर देना है, ठीक है? चलिए हम यहाँ पे लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन करने के बाद इस तरह से करीब जो है 3-6 स्टेप हैं, सभी स्टेप को अच्छे से यहाँ पे ध्यानपूर्वक भरना है। इस तरह से आपका पहले से भरा रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर भी कॉलेज का पहले से रहेगा, सिर्फ आपको मिला लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर देना है, यानी कि पीजी का जो रोल नंबर है वही आपको यहाँ पे देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एडमिट कार्ड पर, आपके एडमिट कार्ड पर पीजी का रोल नंबर होगा, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद जो भी मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सभी डिटेल्स आपको अच्छे से भर लेना। भरने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेशन का डिटेल्स देखने को मिलेगा, कौन से सब्जेक्ट से हैं और कौन सी फैकल्टी है, ठीक है? इस तरह से देखेगा। उसके बाद आपको एड्रेस भर लेना। भरने के बाद नीचे जाएंगे, इस तरह से संपूर्ण डिटेल्स एड्रेस को भर लेना। भरने के बाद आपको सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे दूसरा स्टेप मिलेगा, जिसमें आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो 50 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर 30 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करके आपको फोटो सेलेक्ट करना है, और अपलोड पर क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगा फोटो, उसी तरह से आपको सिग्नेचर भी कर देना है। ये जैसे कि मेरा यहाँ पे अपलोड है, तो हम यहाँ पे सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे आगा डिटेल्स ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिट कार्ड है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको अपलोड कर दिया पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद आपको सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों बता दें, एडमिट कार्ड को जो फोटो खींच के अपलोड कीजिएगा वो 150 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ही अपलोड होगा यहाँ पे। उसके बाद सेवन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लड़की का भर रहे हैं, लड़की का कोई चार्ज नहीं लगता है, इस वजह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्ज सिर्फ लग रहा है 11 रुपए, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन चार्ज पेमेंट कटाने के लिए पे पेपर क्लिक करेंगे, इस तरह से खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड से भी कटा सकते हैं, वॉलेट से भी कटा सकते हैं। तो हम वॉलेट पर सेलेक्ट करके फोन पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? वॉलेट पर क्लिक करके फोन पे को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फोन पे को सेलेक्ट कर चुके हैं। इस QR कोड को अपने फोन पे से के माध्यम से स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते हैं दोस्तों, इस तरह से लॉग आउट हो जाएगा। ऑटोमेटिक फिर से आपको अपना यूनिक फॉर्म आईडी और जो पासवर्ड अभी बनाए थे उस पासवर्ड को देना है। उसके बाद लॉगिन करना है, तो ये हम कर लेते हैं। लॉगिन करते हैं, इस तरह से खुल जाएगा।
एक दो तीन चार पांचवा स्टेप में आ चुके हैं। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म आईडी रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर रहेगा, यहाँ पे आपका सभी डिटेल्स रहेगा, फोटो रहेगा, ठीक है। ये जो जानकारी है वो अच्छे से आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रीव्यू कर रहा है, मतलब ये आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको ये जो भी है डिटेल्स इस तरह से मिलेगा। आपको प्रिंट आउट प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करना है, प्रिंट वाले बटन पर क्लिक करके आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से प्रिंट करके रख लेना है। उसके बाद जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भराएगा उसका प्रिंट आउट और ये एडमिशन वाला प्रिंट आउट लेकर जब एग्जाम फॉर्म भराने के बाद आप दोनों को एक साथ जमा करेंगे। अभी आपको जमा करने का जरूरत नहीं है, इस बात को समझ लेना है। सिर्फ आपको ऑनलाइन एडमिशन करा लेना है, उसका जो रसीद होगा उसको अपने पास रख लेना है। जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म भराएगा उस समय जो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और ये एडमिशन वाला प्रिंट आउट दोनों एक साथ कॉलेज में जमा करना है। अभी आपको कॉलेज जाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यह जानकारी कैसे लगा वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। इस वेबसाइट पर किस तरह से आना ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो ध्यान रहे दोस्तों, इतना मेहनत से हम वीडियो बनाए तो आपका तो फर्ज बनता है कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम एडुकेशन यानी कि कॉलेज से ही रिलेटेड जानकारी शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। धन्यवाद।